जय माता दी और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज मैंने ये सूट डाला हुआ है, एक्चुअली आज रामनवमी है और हमने कोरोना टाइम में रामनवमी का जो पूजन किया है वो कैसे किया है तो वो सभी मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि 9 कन्याओं को हमने भोजन कैसे कराया। और तो चलिए यहाँ पर आपको दो ज्योतें दिख रही होंगी, एक तो माता रानी की है और एक भैरवनाथ की है, क्योंकि माता के 9 दिन पूरे करने पर भैरवनाथ की भी पूजा करना ज़रूरी होता है, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाती है। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है और ये सबको ज़रूर करना चाहिए। जब तक माता घर में रहती हैं 9 दिन तक, तब तक पता नहीं चलता कि दिन कहाँ निकल गए। और इसी तरीके से पिछले साल की भी जो चैत्र की नवमी थी वो इसी तरीके से पड़ी थी और इसी तरीके से पूजा हुई थी, और इस बार भी कोरोना टाइम में ही पड़ी है तो थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ज़ोर शोर से इस त्यौहार को हिंदू रीति रिवाज में मनाया जाता है और हम 2 बार से इसी टाइप से मना रहे हैं, नहीं पूरा कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। ये मेरे घर के ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण की ये जोड़ी है। तो मैं कभी ऐसा हुआ तो मैं पूरी आरती शेयर करूंगी अपने घर की, क्योंकि आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को होती है मेरे घर में आरती। और ये लड्डू गोपाल जी और किशोरी जी हैं और ये छोटे छोटे हैं, बड़े प्यारे से घर घर में हैं ये लड्डू गोपाल यहाँ मथुरा वृंदावन में। दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी आरती शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कहीं टी सीरीज़ या फिर किसी का यहाँ पर कॉपीराइट आ गया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये आरती मेरे घर में पूरा परिवार मिलकर करता है। जो भी सामग्री हवन की होती है, हवन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, माता का पाठ किया जाता है, दुर्गा चालीसा पढ़ी जाती है और उसके बाद पूरा परिवार मिलकर ये आरती करता है। और दोनों टाइम आरती होती है 9 दिन तक। और ये जोत है मैया की जो अच्छे से अभी जल रही है, तो इसमें प्रसाद लगा दिया गया है, बताशा और लौंग का। पूजन हमने घर पर ही अपनी पीहू का ही कर लिया, क्योंकि ये कन्या थी और छोटी थी और ये मेरे भाई की बेटी है एक्चुअली, तो ये अपने साथ बैग लेकर ऑलरेडी बैठी हुई है कि जो भी पैसे जहाँ जहाँ से मिलेंगे उनको रख लेगी, लेकिन कहीं बाहर जाने नहीं दिया हमने इसको, कहीं भी किसी पूजन में नहीं जाने दिया, घर में ही हमने इसको पूजन कर दिया और इसको दक्षिणा दे दी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, माता का रूप होते हैं, लक्ष्मी माता का रूप होती हैं कन्याएं। और जो कन्याएं घर पर नहीं आ सकती थी, जो आस पड़ोस में जो कन्या थी, हमने उनको घर घर में जाकर जो प्रसाद था वो दे दिया और दक्षिणा दे दी। इसी तरीके से पूजा इस बार भी रही पिछले साल की तरीके से। पिछले साल तो इतना भी नहीं हुआ था, इस बार एटलीस्ट इतना हुआ है कि घर में जाकर हम प्रसाद दे पा रहे हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें जल्दी से सही हो जाएं। माता रानी इस बार तो ऐसे आई है, लेकिन अगली बार जब आए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और कोई भी परेशानी अगली बार ना हो, ऐसे अगली बार ज़ोर शोर से मनाएं। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि आप अपने घर में रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और प्रार्थना करिए कि भगवान जल्दी से ये जो महामारी है जल्दी से ख़त्म हो जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।